कहता है अगर पड़ोसी के घर में टीवी आ जाए तो अपने घर का बच्चा भी जिद करने लगता है कि पापा हमको भी वही टीवी चाहिए, और उससे कोई इंच कम नहीं चाहिए, एकदम वही रंगीन वाला चाहिए। तो जब आपके पड़ोसी राज्य जो है लगातार भर्ती निकाल रहे हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश का बच्चा इसमें काहे पीछे रहे, रहना चाहिए, पीछे रहना चाहिए, कतई नहीं रहना चाहिए। तो आपने कल परसों से खबर जो है वो देख रखी होगी, कुछ ऑथेंटिक चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे अब से एक सप्ताह पहले आपने देखा 12,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, ये हरियाणा राज्य की खबर है, ठीक है। हरियाणा राज्य के बाद अगर आप देखेंगे सेकंड नंबर पर, तो शिक्षक भर्ती की नियमावली पर, सातवें चरण की शिक्षक भर्ती पर की नियमावली पर बिहार सरकार ने लगा दी है मोहर, और तेजस्वी यादव ने ये एकदम ठोक के कह दिया है कि भाई बिहार में शिक्षकों के 2 लाख पदों को नियमित करेंगे, एकदम बढ़िया से बहाली होगी, लगभग 1.25 लाख पदों पर वैकेंसी जल्द करेंगी। अब समझ लीजिए कि इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती बिहार सरकार करने जा रही है, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यह है हमारे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्कूलों में 51,112 और शहरी में 12,149 पद, परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 58,084 पद, 5,80,084 पद सृजित हैं, और अनुदेशक शिक्षा मित्र समेत 6,28,915 शिक्षक कार्यरत। ये हैं हमारे प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री। अब मुद्दा दोस्तों ये है कि उत्तर प्रदेश का बेरोजगार छात्र इंतजार कर रहा है टीचिंग वैकेंसी के लिए, और उसके सामने एक छोटी सी सकारात्मक खबर आई है कि 51,000 और 12,000 अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 63,000 के आसपास पद खाली है, जिस पर कांग्रेस सरकार ने कल ट्वीट करके, कांग्रेस ने, सरकार तो नहीं है खैर, कांग्रेस ने कल ट्वीट किया और उसके माध्यम से कहा कि 63,000 शिक्षक की भर्ती के बारे में उत्तर प्रदेश में आवाज उठाने के लिए उन्होंने कवायद तेज की। ये कांग्रेस सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम है, उत्तर प्रदेश सरकार को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि भाई लगभग अगर 63,000 पद खाली हैं तो जो 4 साल से बेरोजगार युवा इंतजार कर रहा है उनकी झोली में रोजगार कब आके गिरेगा, बहुत बड़ा सवाल है। पड़ोसी राज्य लगातार आप देखते हैं, बिहार में भी शिक्षक वैकेंसी की घोषणा हो गई है, हरियाणा भी जो है एचटेट पे लगभग 12,000 वैकेंसीज को कर रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश, वहां भी वैकेंसीज, झारखंड वहां भी चल रहा है, तो लगभग उत्तर प्रदेश में भी अब वो दिन आने वाले हैं, या आने चाहिए, या इसके लिए कम से कम सवाल जवाब तो उठना शुरू हो गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। शिक्षकों के सृजित पद कब भरे जाएंगे, या बेरोजगारों की झोली में कब गिरेगा रोजगार, इसकी एक पॉजिटिव न्यूज की जो अब सरकार इस पर रुख करेगी। 63,000 वैकेंसी पर अगर इतने पद खाली हैं इनके डेटा के अकॉर्डिंग, तो इस पर जल्द से जल्द अच्छी खबर सुनने को मिले, है ना, एक पॉजिटिव खबर सुनने को मिले माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो चीजें बताई गई हैं उस पर एक पॉजिटिव होप रखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में 2-4 महीनों में बेरोजगारों को रोजगार देखने को मिलेगा। कम से कम पड़ोसियों की नकल करके ही कुछ सीखना चाहिए, तेजस्वी ने कहा था। देखिए 2 महीने के अंदर उन्होंने सरकार बनाने के बाद सबसे पहले शिक्षकों के इररेगुलर पद को रेगुलर करने की बात कह दी है, वहां के सारे छात्रों में खुशी की लहर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अदर स्टेट वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इसके लिए बिहार का डोमिसाइल यानी बिहार का निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, ठीक है। तो यानी ये बिहार के ही छात्रों के लिए छूट है। एक राज्य तो और भूल गए, राजस्थान ने भी रीट भर्ती की है, तो अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द छात्रों को 63,000 वैकेंसी या इससे ज्यादा पदों को थोड़ा सा सृजित करके बेरोजगार छात्रों की झोली में रोजगार का एक मौका डाल सकती है। इसके लिए आप सब एक पॉजिटिव उम्मीद रखिए दोस्तों। कहते हैं कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, और लक्ष्य और मंजिल के अब आप बेहद करीब पहुंच गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपको इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के सुपर टेट एग्जाम के लिए लग जाइए, एकदम शुरुआत से अपने 14 विषय के सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि भर्ती जब भी आएगी बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। तो सुपर टेट की तैयारी के लिए, हार्ड कॉपी नोट्स के लिए एग्जाम मास्टर के व्हाट्सएप नंबर 94-5-26-74-92 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और 1 अक्टूबर से हम सुपर टेट का
शुरू से जो पाठ्यक्रम है टॉपिक 1, 2, 3 से स्टार्ट करने वाले हैं न्यू बैच, जो इसमें शामिल होगा उसको एकदम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब तक वैकेंसी आ नहीं जाती तब तक आपको इस 14 विषय को कंप्लीट टॉपिक वाइज पढ़वाया जाएगा नोट्स के साथ। एक हाथ में नोट्स रखिए और एक हाथ से मोबाइल में क्लास देखिए और लग जाइए अपने सपनों की उड़ान के लिए एग्जाम मास्टर के साथ, एक कदम सफलता की तरफ बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद आपका।